हे गाइस, वेलकम बैक. दिस वॉच फ्रीक. और आज हम बात करने वाले हैं वॉच की हिस्ट्री के बारे में, फ्रॉम 2000 BC टू करंट मॉडर्न एरा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक्चुअली वी डोंट नो हु इन्वेंट द क्लॉक और वॉच. 12 घंटे 60 मिनट कहाँ से आया, वी डोंट नो अबाउट दैट. घड़ियों के क्लॉक के एग्जिस्टिंग की जो हमारे पास एविडेंस है वो स्टार्ट होती है 2000 BC से, जब सनडायल यूज हुआ करते थे इजिप्शियन और ग्रीक द्वारा. इसमें हम सूरज की मदद से टाइम देखते हैं, कुछ इस तरह दिखता था वो, और इसमें एक बहुत ज्यादा एक्यूरेसी थी. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये रात में काम नहीं कर सकती थी. अगर क्लाउडी वेदर हो जाता तो आप इस टाइम देख सकते थे. अगर हम चाइना की हिस्ट्री में जाते तो वहाँ आपको मिलता है वाटर क्लॉक, जिसमें कुछ इस तरह से दिखने वाला बर्तन होता था जिसमें हम पानी भरते थे, मार्क कर देते थे 1 से 12, और उस सबसे टाइम का पता लगाते थे कि अभी कितना बजा है. सबसे ज्यादा इन्यूटू मेरे को लगा वो है आर्ट ग्लास, बिकॉज ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट था. पर ये कोई टाइम बताने वाला डिवाइस नहीं था, इट्स लाइक अ टाइमर. लेकिन इट्स अ वेरी इफेक्टिव. आर ग्लासेस का इन्वेंशन भी इजिप्शियन ने किया था. तो लगभग 2000 BC से लेके 10वीं सदी तक हम लोग ने वाटर क्लॉक, सन डायल और आर ग्लास का यूज़ किया. बट एक्चुअल जो वॉच जो हम यूज़ करता है उसका इन्वेंशन जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ जब पोप सिल्वेस्टर सेकेंड ने फर्स्ट मैकेनिकल वॉच का इन्वेंशन किया. ये घड़ी में आर का ही काटा था, इसमें मिनट्स और हैंड का काटा उस टाइम इन्वेंशन नहीं हुआ था. लेकिन इट वॉज द फर्स्ट इन्वेंशन, और धीरे धीरे इसको पॉपुलर होने में और उसको और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने में लगभग 3 साल लग गए. और फर्स्ट जो क्लॉक का टावर है वो बना है इंग्लैंड और फ्रांस में, जो कि आज भी है. 1365 में इंग्लैंड और फ्रांस में मैकेनिकल वॉच लगने लगे चर्च में, और टाउन हॉल में अलग से क्लॉक टावर बनने लगे ये पूरे यूरोप में घड़ी देखने के लिए. वॉच इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती गई, और जो ब्लैक स्मिथ होते हुआ करते थे वो क्लॉक मेकर में कन्वर्ट हो गए. लेकिन अभी भी वो इतनी एक्यूरेट नहीं थी, और उसमें मिनट और सेकेंड का इन्वेंशन हो नहीं था. उसके बाद में क्लॉक की इंडस्ट्री धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी. अगले 200 साल में 15 सदी तक क्लॉक टावर बहुत फेमस हो गई. लगभग पूरे यूरोप में क्लॉक टावर बनने लगे. 1505 में जर्मन की क्लॉक मेकर पीटर हैनलेन ने फर्स्ट पॉकेट वॉच बनाई है. इट्स नॉट अ पॉकेट वॉच, इट्स अ पेंडेंट टाइप ऑफ वॉच, जिसका नाम रखा गया कमांडर वॉच. थोड़ी इस तरह से दिखने वाली वॉच थी जिसमें सिर्फ आर का काटा था, और इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं थी. पर डे 30 मिनट्स की एक्यूरेसी थी. बट दिस इज द ऑफिशियली फर्स्ट पॉकेट वॉच, नॉट अ क्लॉक. इट इज टू डिफरेंट थिंग. क्लॉक इज डिफरेंट, वॉच इज डिफरेंट. तो दिस इज द फर्स्ट वॉच इन हिस्ट्री विच वर मेड बाय पीटर हैनलेन. उसके बाद इसी वॉच में बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशन हुए, और उसके बाद 1600 आते आते प्रॉपर पॉकेट वॉच घड़ी बनने लगी. मैन पॉकेट में रखते थे. बट द एक्चुअल इनोवेशन इज इन 1657 में, जब क्रिस्टन ह्यूजन ने बैलेंस स्विंग का इनोवेशन किया, जिससे वॉच की एक्यूरेसी 30 मिनट से लेके सीधे 5 मिनट पर डे पे आ गई. और उसी के साथ में उन्होंने इन्वेंट किया मिनट और सेकेंड हैंड का भी, और यहाँ पे कंप्लीट मैकेनिकल वॉच बन गई जिसमें आर भी है, सेकेंड भी है और मिनट भी है. ह्यूजन ने 1659 में पेंडुलम का भी इस्तेमाल करके मैकेनिकल क्लॉक में भी मिनट के हैंड लेके आ गए. और फिर 1680 तक आते आते पॉकेट वॉच में हैंड का और आर का काटा लगने लगा. और धीरे धीरे इसमें इनोवेशन होते हुए 1770 में अब्राहम लुई प्रिएट ने उन्होंने रोटर का इस्तेमाल किया, जिससे कि वॉच ऑटोमेटिक वाइंड होने लगी. 1800 तक अभी तक सिर्फ क्लॉक का इनोवेशन हुआ था और पॉकेट वॉच का इनोवेशन हुआ था विथ मैनुअल मोमेंट और ऑटोमेटिक मोमेंट. बट 1810 में अब्राहम लुई ब्रिगे, द फाउंडर ऑफ ब्रिगे वॉच, जो आज भी लग्जरी वॉचेस बनाती है, उन्होंने फर्स्ट रिस्ट वॉच बनाया क्वीन ऑफ नेपल्स कैरोलाइन मोरेट के लिए. दिस इज द फर्स्ट रिस्ट वॉच वॉर्न बाय एनी ह्यूमन, और वहाँ से चलन बढ़ा रिस्ट वॉच का. उसके बाद लगभग 100 सालों तक रिस्ट वॉच वुमेन के लिए, वुमेन बहुत प्राउडली पहनती थी, लेडीज एज ए ब्रेसलेट उसे यूज किया करती थी, और मैन प्राउडली पॉकेट वॉच यूज किया करते थे. बिकॉज उस टाइम अगर आपका घड़ी है तो आपको बहुत ज्यादा रईस समझा जाता था, और कॉमन पीपल को अभी भी क्लॉक की तरफ देखना पड़ता था, अपने चर्च की तरफ देखना पड़ता टाइम देखने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी. लेकिन 19th सेंचुरी के एंड होते होते रिस्ट वॉच है वो मैन में भी डिमांड बढ़ने लगी, बिकॉज वर्ल्ड फिर चेंज होने लगा. वॉर में घोड़े तलवार चेंज होके बंदूक, फाइटर प्लेन और टैंक आने लगे, तो आर्मी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था टाइम सिंक्रोनाइज करना, बिकॉज आर्मी के लिए पॉकेट वॉच निकाल के घड़ी देखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सारी कंपनियां बनी, और मैन के वॉचेस आर्मी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी. जो अदर देन आर्मी पर्सन है वो भी पॉकेट वॉच की जगह रिस्ट वॉच ही इस्तेमाल करने लगा, बिकॉज इट्स वेरी कन्वीनियंट, और ये कॉमन हो गया था मेंस के लिए. पॉकेट वॉच धीरे धीरे अब नेग्लेक्ट हो रही थी. लेकिन अभी भी वॉच जो है वो बहुत महंगी होती थी, बिकॉज ये मैनुअल मूवमेंट के साथ होती थी, या तो ऑटोमेटिक या मैनुअल. लेकिन 1969 में सिको ने फर्स्ट क्वार्ट्ज वॉच बनाई, एस्ट्रॉन. सिको के एस्ट्रॉन के बाद में ओवर 90,000 एम्प्लॉय ने अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. बहुत सारी क्वार्ट्ज कंपनी ओपन हो गई थी, और क्वार्ट्ज बनाने के लिए आपको कोई हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं चाहिए थे. क्वार्ट्ज वॉच
क्वार्ट्ज का जो मूवमेंट होता है बहुत ही सिंपल था और ये मास प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट था। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉच है वो क्वार्ट्ज वॉचेस ही है। इसके बाद 1917 में क्वार्ट्ज मूवमेंट के साथ डिजिटल डायल भी आ गया जो हैमिल्टन वॉच कंपनी ने बनाई थी। क्वार्ट्ज मूवमेंट ने पूरी मैकेनिकल इंडस्ट्री पे अपना कब्जा कर लिया। लेकिन 1998 में लिनक्स ने एक फर्स्ट स्मार्ट वॉच का प्रोटोटाइप दिखाया और सन 2000 में उसने पब्लिश किया लिनक्स वॉच ने फर्स्ट स्मार्ट वॉच। उसके बाद में धीरे धीरे सारी बड़ी कंपनी ने भी स्मार्ट वॉच में काम करना स्टार्ट किया और उस पर सैमसंग, मोटोरोला और बहुत सारे ब्रांड्स के स्मार्ट वॉच आना शुरू हुए। 2015 में सबसे सक्सेसफुल स्मार्ट वॉच आई वॉच एप्पल ने लॉन्च किया और बहुत जल्दी ही एप्पल वॉच पॉपुलर हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वॉच फ्रॉम 2000 BC टू प्रेजेंट, फ्रॉम सनडायल टू स्मार्ट वॉच। And who knows कि आगे आप हम wrist पे क्या क्या देखेंगे, but I think in future our wrist will take over on our mobile। हम शायद मोबाइल ही इस्तेमाल करना बंद कर देंगे क्योंकि wrist watch वो सब कर सकेंगे जो आपका मोबाइल फोन कर सकता है। तो that's it for today's video। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।